गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक नए व्लॉग में सबका स्वागत है। और मनोज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो भाई आज बहुत बढ़िया दिन है और आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक स्टूडेंट की सफलता को, और एक स्टूडेंट की यानी कि हम सबकी सफलता। तो आज संडे का दिन भी है और राशि जो स्टेशन मास्टर जो है पद के लिए सिलेक्ट हुई है उनके सफलता को हम सेलिब्रेट करेंगे। पूरा फंक्शन आपके साथ में मैं साझा करूंगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। पूरे ब्लॉग में आखिरी तक बने रहना है। क्यों मनोज सर? बढ़िया मज़ा आएगा, बढ़िया मज़ा आएगा। तो पूरा कोशिश रहेगा कि आप मोटिवेट हो सको इस पूरे कार्यक्रम से। तो शुरुआत हो गई है स्टूडेंट्स के आने की, और मनोज सर और जय सर भी आ गए हैं। अभी विजय सर आए नहीं हैं, तो अभी सबके सब आ गए हैं। विजय सर, क्या हाल चाल हैं? बढ़िया सर। बढ़िया हैं। अच्छा, और कुलदीप सर, क्या हाल चाल हैं आपके? बहुत बढ़िया हैं। फिर आज एक्साइटेड हो आप लोग? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज अच्छा कार्यक्रम होने वाला है। कुलदीप कर रहा है आज, क्या बात कर रहे हो? ये नहीं मानता, आगे से आगे रह करके ये व्यक्ति ने कैसे बोल दिया? क्या बोल दिया ये सर? इनकी गलत फहमी है। अरे यार, मैं वही बोलूं कि यार ये इतना हिम्मती काम कैसे, मतलब आज एकदम सामने से रह करके बोल दिया भाई कुलदीप ने। राशि वेलकम, स्वागत है आपका। आज आप पूरा कार्यक्रम आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। कैसा लग रहा है आपको? नर्वस तो होते ही है सभी के सभी, है कि नहीं? और हमारे एंकर साहब, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया। आपका ये दूसरा इवेंट है एंकरिंग का, है? बहुत बढ़िया। और आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, आप एक्साइटेड हो, और जिसका कार्यक्रम है वो नर्वस है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। मज़े लेने वाले मज़े ले लेते हैं। तो बढ़िया है, ठीक है। तो ये कार्यक्रम हम उम्मीद करेंगे अच्छा ही रहे, है कि नहीं? और राशि, हर बार कार्यक्रम सुनते थे, इस बार कार्यक्रम देना है, थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा अजीब कि जहाँ सब लोग बैठे रहते थे वहाँ मैं बैठूंगी। ये वाली बात, ये दिन आने में बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि ये वो दिन था जो आ गया, आ गया, आ गया आखिरकार। आखिरकार करके बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाओ। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं
और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है रब को, पता है रब को, पता है सबको, मेहनत में मेरी कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है और गुरुजनों से लेख दर दीक्षा, अर्जुन रन को तैयार है। सबर का मैया बांध ना टूटे, सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी है, फिर वन ऑफिसर लौटूंगा, फिर वन ऑफिसर लौटूंगा। जैसे कि आप लोगों ने पूरा कार्यक्रम देखा और बड़ा ही शानदार कार्यक्रम रहा, और आज हमारे साथ में जो है राशि तो हैं ही, साथ ही साथ उनकी मम्मी भी जो है उपस्थित हैं। तो अंडी जी, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा पहले ये बताइए। कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छा रहा, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा आपको, और राशि ने इतनी बढ़िया उपलब्धि हासिल करी है, तो ये एक अलग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप यदि कुछ बताना चाहें इस उपलब्धि के बारे में, आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी लड़की के सफलता पे। जैसा हर माँ को लगना चाहिए अपनी बेटी के लिए प्राउड फील करना चाहिए, फील करना चाहिए। और जैसे कि आपने अभी कार्यक्रम में बोला था कि आप चाहते थे कि राशि के लिए ऐसा हो, तो आप जो दूसरे जो बच्चे हैं जो जो उनकी माएँ सोचती हैं उनके बारे में आप क्या एक प्रकार से एक अपने तरफ से सलाह देंगे माता पिता को। माता पिता को तो मैं यही सजेशन दूंगी कि यदि उनकी लड़की को पढ़ने में इंटरेस्ट है तो वो रोके ना, आगे बढ़ने दिया जाए, और यदि मतलब उसका टारगेट है ना, माँ बाप का भी टारगेट क्या लड़की शादी तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आगे उनका भी उद्देश्य ये रहना चाहिए कि अब वो अपनी बेटी को पेड़ों पर खड़ा कर सके। मतलब उस पैरों पे खड़ा होना जरूरी है जरूरी आज के जमाने में लड़कियों का, तो बिल्कुल यही मतलब हमारा भी एक प्रकार से यही प्रयास था। और आपको बहुत बहुत बधाई और आपको धन्यवाद भी साथ में कि आपने इतना समय दिया, और जितने भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हैं इस माध्यम से देख रहे हैं ये समझें कि जगह कोई भी हो, आप यदि अपने बच्चों पे विश्वास करते हैं और आपके बच्चे यदि उसका सही परिणाम दे रहे हैं तो 100% आपको अच्छा एक रिजल्ट मिलेगा। तो राशि एक बार मेरी तरफ से फिर से बधाई, कुछ कहना चाहते हो सभी लड़कियों के लिए? तो ये सोचती है कि हम और कब तक मेहनत कर रहे हैं या फिर घर से निकलने को नहीं मिल रहे, पढ़ाई कैसे कर रही है, क्योंकि यही कहूँगी कि बस इंस्टीट्यूट से आप जुड़िए, संस्था से जुड़िए, आगे इस पर पढ़ाई कीजिए और सर सजेशन देते रहिए कि और क्या ऐड करना है, तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिए और सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आज तो कल मिलेगी, कि जहाँ आज मैं हूँ वहाँ कल आप लोग होंगे। बिल्कुल, हमारी तरफ से एक बार फिर से बधाई आपको, और ईश्वर करे कि आप स्टेशन मास्टर से कभी एक पूरा जोन संभालें और ये एक दिन निश्चित रूप से होगा। तो बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद फिर से। तो ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तो कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, और क्यों भाई इन्होंने पूरा कार्यक्रम YouTube के हिसाब से मतलब वीडियो बनाने के हिसाब से संभाला, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ खाओ, बिल्कुल हमने तो बोला ही ना कि खाओ भैया, ले तुम भी खाओ गणेश, बढ़िया है, वेरी गुड, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हो। नीलेश क्या हाल चाल हैं आपके भाई? बढ़िया है, खाओ खाओ आप भी खाओ, सबके प्रयास से देखो कितना बढ़िया काम होता है। जय सर, बढ़िया लगा कार्यक्रम आपको? बहुत बढ़िया, मज़ेदार। तो यहाँ पर तो काम कम्प्लीट हो गया है और अब मैं जा रहा हूँ घर, सुबह से कुछ खाया नहीं है और लगभग बज गई है 3, और अब मैं घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। चिंटू जी को मुझे छोड़ने के लिए जाना था इंदौर, लेकिन अब मुझे कल के दिन की छुट्टी लेकर के छोड़ने के लिए जाना पड़ेगा, तो ठीक है भाई, अब देखते हैं कल के दिन का क्या होता है, नए एडमिशन का जाना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो छूटता ही है मेरे से। तो इंस्टीट्यूट से घर ही जा रहा था, लेकिन अभी पता चला कि मेरी चाबी गाड़ी की कुलदीप सर लेके चले गए हैं, अब जब तक वो आते नहीं जब तक मैं जाता नहीं। कार्यक्रम होता है तो हमें मौका मिलता है इस तरीके से पार्टी मनाने का, अभी देखा ही होगा बच्चों ने एंजॉय भी किया होगा, बहुत अच्छा लगता है मेरे को भी बच्चों के साथ में इस तरीके से एंजॉय करने में। हाँ, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन ज़रूरी है वहाँ पर डिसिप्लिन ज़रूरी है। बोलो सर। जी सर। क्या हुआ?
कुछ नहीं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। चलो तो अब मुझे विजय सर घर छोड़ दे रहे हैं। तो भाई कार्यक्रम कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में मैं घर आया, घर पे खाना खाया और उसके बाद में कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जो कार्यक्रम हुआ था उसका वीडियो अपलोड, उसका वीडियो जो था लगभग 3 घंटे का था, तो वो भी मैंने अपलोड किया उसके बाद में। और अब लगभग बज गई है 6, तो अभी भी मैं बैठा ही हुआ हूँ, थक गया था बहुत ज़्यादा। देख सकते हो यार स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, कभी कभी 3-4 काम एक घंटे संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। तो अभी सबके साथ बैठा हुआ, की भी बैठी हुई है। मम्मी कैसे हो? बढ़िया। खुशबू छोटा है। तो भाई हमारे घर पे कोई आया है मेहमान, और देखो छोटा सा गोनू। ए गोनू, गोनू देखो कितना सा बेटा, कितना छोटू सा। ए छोटू सा गोनू, ए इधर आ जा, आ जा। ओए गोनू आ जा, छीजू आ जा मेरा बच्चा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। कद्दू भी जरा यहां पे। ओ मेरा प्यारा बेटा। ओ ऐसा करता है ता, सबको ता करता है छीजू। एक बार फिर से कर दो ता। चीजू ता कर रहा है सबको। चीजू बोलो A for apple, B for ball, very good। अब शीजा बोलने लग गई थोड़ा थोड़ा। तो ये गोनू जो है अकेला रह गया और इसकी माँ जो है क्या पता कहाँ चली गई और दिखी नहीं रही है, और ये अकेला है यहाँ पर। इसको कुछ खा नहीं जाए कुत्ते। पिछली बार ऐसे ही एक छोटे से गोनू को जो है वो कुत्ते खा गए थे, और उसका जन्म ही हुआ था, 1 दिन का ही था बस। ये भी 1 और 2 दिन का ही दिख रहा है लगभग। तो अभी तो इसका ख्याल रख रहे हैं हम लोग, घर के ही सामने बैठ गया था। अब ना जाने इसकी माँ कहाँ चली गई है, क्या इधर कहीं दिखी नहीं रही वो। धीरे 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 धीरे, अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या आ गई, 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 आ गई। हाँ तेरा ही ख्याल रख रहे थे। आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। आ गई आ गई आ गई। कहाँ चली गई थी तू, हैं कहाँ चली गई थी, तेरा ही तो ध्यान दे रहे थे। थोड़ा बहुत खाने को दिया इसको। ये देखो अब हमारे चिंटू जी को गुस्सा आ रहा है। क्या बोल रही हो जी जी? तो भाई अंकल जी फ़ोन लगा रहे हैं किसी को कि कोई इस बछड़े को और गाय को गौशाला में जो है छोड़ के आ जाएगा, क्योंकि ये गाय तो किसी की है नहीं। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार भी इसी गाय का बछड़ा जो है कुत्ते खा गए थे। तो अभी मैंने पानी दिया है इस गाय को, और ये भी अभी आराम कर रहा है, घर के सामने ही बैठ गए हैं। ये एक नई जिम्मेदारी मुझे मिल गई है भाई, मैं जहाँ जा रहा हूँ ये मेरे पीछे पीछे ही आ रही है। तो भाई सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि जब आप व्लॉग देखते ही हो तो एक लाइक कर दिया करो, और यदि 200 व्यू होते हैं जो उसमें से यदि 100 लोग भी लाइक कर देंगे तो मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादातर लोगों तक और पहुँच जाएगा। तो इतना मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ब्लॉगिंग मेरा अच्छा लगता है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप यदि इससे कुछ सीख पा रहे हो, यदि मेरे लाइफ से कुछ आप सीख पा रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज़ लाइक करिए। शेयर करना तो थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अभी फ़िलहाल के तौर पर लाइक तो करो कम से कम। भाई यहाँ पर तो अभी कहीं दिखा नहीं वो बछड़ा, और भगवान करे कि वो अच्छा ही रहे और कोई उसको दिक्कत नहीं हो। और इस व्लॉग को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और शेयर तो जरूर करना। इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।